तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास है भोया भाई M1 का माइक। तो दोस्तों इसका आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग एक यूट्यूबर हो, अगर आप लोग अपने यूट्यूब वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए माइक खरीदना चाहते हो, तो आपके लिए ये माइक काफ़ी बेस्ट रहेगी। दोस्तों आपका चैनल कोई भी कैटेगरी में हो, चाहे आप ब्लॉगिंग करते हो, चाहे आप लोग टेक की वीडियोज़ बनाते हो, सभी के लिए दोस्तों ये माइक काफ़ी बेस्ट है। 99% सभी यूट्यूबर लगभग इसी माइक का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये माइक मेरे को अभी अमेजोन से रिसीव हुआ है। तो इसका क्या प्राइस है, आपको कितने रुपीज़ में अब ये माइक मिलेगा और इसके क्या फीचर्स है, आपको इस माइक को कैसे यूज करना है, फुल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आओ तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इस साइड से सबसे पहले इस पन्नी को यहाँ से हटाता हूँ, कागज को हम यहाँ से हटा लेते हैं। अभी दोस्तों इसके अंदर ये माइक का डब्बा है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे दोस्तों बाई M1 जैसा कि मैंने आपको बताया, बोया बाई M1 का माइक है। सारे डिटेल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हो, मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, DSLR कैमरे में भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी आप लोग इस माइक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप किसी से भी वीडियो रिकॉर्ड करो, सभी में वर्क करेगा। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं, इसके बाद में मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे को मिलता है कि इसका गाइडलाइंस, यहाँ पे बोया भाई M1 माइक का यहाँ पे लोगो दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर इसके अंदर की हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कैसे यहाँ पे पिन होता है, इसको आपको अपने फोन या फिर कैमरे में लगाना होता है। दोस्तों यही कुछ इस किताब में दिया गया है, तो आप लोग इस कॉपी को देख सकते हो और इसका गाइडलाइन समझ सकते हो और आप लोग इसका यूज करना सीख सकते हो, काफी सिंपल है। तो चलिए इसको हम साइड में छोड़ते हैं और अब हम इस माइक को अंदर से यहाँ से निकालते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से आपको बैग मिलता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो थोड़ा, यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से बैग है और इसी बैग के अंदर यहाँ पे है माइक। तो हम इसको निकाल लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से माइक है, इसका वायर दोस्तों आपको काफ़ी लंबा मिल जाता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। चलिए हम इसको साइड में रखते हैं और इसके अंदर और देखते हैं कि मेरे को क्या मिलता है। तो हमने इसको ओपन करा तो उसके साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है इस पुड़िया में कुछ इसके साथ में, और मतलब इसके सेफ्टी के लिए होता है। चलिए इसको साइड में छोड़ते हैं। और उसके साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है पिन अपने फ़ोन में लगाने के लिए, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो हम इसको देख लेते हैं फिर आपको माइक दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको ओपन करा तो यहाँ पर मेरे को मिलता है ये जैक है, अगर आप लोग कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो तो ऐसे में दोस्तों ये वर्क करेगा। उसके साथ में दोस्तों हमें ये मिलता है उस पर लगाने का, जिससे बैकग्राउंड की जो अदर नॉइज होगी उसे रोकने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। चलिए इसको साइड में रखते हैं और उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों आपको एक मिलता है कैप, और इस कैप को दोस्तों आप लोग अपने शर्ट में लगा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों लगभग आपको 4 से 5 मीटर का यहाँ पे आपको वायर मिल जाता है, जिससे कि अगर आप अपने वीडियोस को दूरी से रिकॉर्ड करोगे तो दोस्तों उसमें आपकी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप दूरी से वीडियो रिकॉर्ड करोगे फिर भी आप अपनी वीडियोज़ को काफ़ी अच्छी क्वालिटी से रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इसको आप लोग ओपन करके, ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको सेल डालना होता है एक यहाँ पर। तो साथ में दोस्तों सेल भी आया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो आपको इस सेल को निकालेंगे बाहर। तो हमने दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेल को बाहर निकाल लिया हूँ, और आपको इसके अंदर सही से डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों ये जो सेल था इसके अंदर मतलब डाल दिया हूँ, और अभी इसको आपको दोबारा से वापस से सेम उसी तरीके से इसको कस देना है। अभी यहाँ पे दोस्तों आपको बटन मिलता है, अगर आप यहाँ पे कैमरे में यूज़ कर रहे हो तो आप ऊपर इसको जो है स्लाइड करेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे फोन में यूज़ कर रहे हो तो आप लोग इसको नीचे करेंगे। सिंपल सा है, सामने लिखा आप लोग देख लेना, ठीक है। तो बस दोस्तों यही कुछ इस माइक में दिया गया है। और तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसको यूज़ करके इससे रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो को दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम इस माइक को अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कितनी क्लियर कितनी अच्छी आवाज़ इस माइक से रिकॉर्ड होती है। तो चलिए हम अपने इसी फ़ोन में लगाते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हमने बोया भाई M1 माइक को अपने फोन से कनेक्ट कर दिया हूं और ये आवाज दोस्तों मैं माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। ओके गाइस, तो आप लोग इस आवाज से पता लगा सकते हो कि इस माइक से कितनी क्लियर आवाज रिकॉर्ड होती है। ओके गाइस, तो इस माइक से हमने आपको आवाज रिकॉर्ड करके इस माइक को टेस्ट करके भी दिखा दिया हूँ। तो अभी मैं फिर से ये वॉइस अपने फोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज हमने यहाँ पे माइक को निकाल दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग आवाज में डिफरेंस देख सकते हो कैसा है। और अगर और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये जो जैक मिलता है, अगर
आप लोग कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करना, यहाँ पे आप लोग इसको यहाँ से कनेक्ट करके ये कैमरा में लगा देना। अदर अगर आप लोग फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हो डायरेक्टली फ़ोन एयरफोन वाला जो होता है उसमें उस जैक में आप इसको लगा देना, तुरंत आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे चालू हो जाएगी। ठीक है, ये तो रही दोस्तों बोया भाई M1 माइक की अनबॉक्सिंग। तो चलिए अब इसको साइड में रखते हैं, अब हम आते हैं इसके प्राइस पे कि ये मेरे को कितना प्राइस का पड़ा है। तो दोस्तों ये माइक हमने अमेजोन से बाय किया था, इसका प्राइस मेरे को 1249 रुपीस पड़ा है। और दोस्तों इसका प्राइस अप डाउन होता रहता है, तो हो सकता है कि आपको इससे कम प्राइस में मिल जाए, हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा भी प्राइस देना पड़े, बट समथिंग मेरे को यहाँ पे 1249 रुपीस का आज के टाइम में मेरे को ये मिला है। और दोस्तों इसका बाइंग लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, अगर आप लोग इस बोया बाई M1 माइक को खरीदना चाहते हो, अगर आपका बजट 1000 रुपीस के समथिंग आसपास है तो आप लोग इस माइक को खरीद सकते हो। तो इस माइक का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक कर देना और आप रिडायरेक्ट हो जाओगे अमेजोन पर, वहां पर क्लिक करके आप लोग इस माइक को खरीद सकते हो। और मैं आपसे मिलूंगा ऐसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।